नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज के सेशन में हम सीखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करनी है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो आज हमारा जो मेथड रहेगा वो रहेगा इनकम मेथड। आज हम इनकम मेथड से कैलकुलेशन करनी सीखेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान तरीके से हम आज सीखेंगे। इसके लिए जो फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे, वो है फार्मूला 465। ये 465 फार्मूला कैसे काम करता है और कितनी आसानी से हम जे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। आपको यूट्यूब पर ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें 465 फार्मूला यूज़ किया गया हो। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान तरीके से आज हम सीखेंगे नेशनल इनकम। चल, इनकम मेथड में 465 फार्मूला कैसे काम करता है, इसके लिए सबसे पहले आपको नीचे जो 1 से 6 जो टर्म्स दी गई हैं इनको समझना होगा। सबसे पहले है हमारे पास जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसे हम कर्मचारियों का मेहनताना कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम में यदि मेन पॉइंट दिया गया हो तो हमने मेन पॉइंट लिखना है और सभी सब पॉइंट को इग्नोर कर देना है। ये हमें सब पॉइंट दिए गए हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या आता है? वेजेस एंड सैलरी आती है, बोनस आता है, कमीशन, इंसेंटिव, रिटायरमेंट पेंशन और कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन सोशल सिक्योरिटीज। ठीक है, इन सभी को यदि हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकल कर आएगा। तो ध्यान में क्या रखना है, यदि हमें किसी भी एग्जाम में जे सम आता है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी दिया गया है, वेजेस एंड सैलरी भी दी गई है, तो हमने मेन ओनली मेन पॉइंट लिखना है। वेजेस एंड सैलरी को हम नहीं लेंगे उस समय, इसे नहीं लेंगे। ठीक है, ध्यान में क्या रखना है, जब मेन और सब पॉइंट दोनों दी गए हैं हमें, तो हमने ओनली मेन पॉइंट को ही यूज में लाना है। दूसरा हमारे पास है ऑपरेटिंग सरप्लस, जो प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं। सबसे पहले लेबर, लेबर का हमने ये कर लिया है। अन्य 3 जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनमें सबसे पहले लैंड, लैंड को उसकी सेवा का जो फल दिया जाता है वो रेंट और रॉयल्टी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट ये कैपिटल का होता है और प्रॉफिट है वो एंटरप्रेन्योर का होता है, और जो प्रॉफिट है उसके भी आगे कंपोनेंट होते हैं। प्रॉफिट भी मेन पॉइंट बन जाता है। उसके कंपोनेंट क्या क्या है? डिविडेंड, जिसे हम लाभ अंश कहते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जिसे हम निगम कर कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसे अनवंडिया लाभ कहते हैं, और सेविंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, इसे एंटरप्रेन्योर्स की सेविंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तीसरा जो हमारे पास है वो है मिक्सड इनकम, मिक्सड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहा जाता है। फोर्थ हमारे पास है डेप्रिसिएशन, जिसे हम घसावट कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। फिफ्थ वन हमारे पास है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है इसे निकालने का हमारे पास फार्मूला है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये ध्यान में रखना है। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास, सिक्स पॉइंट हमारे पास है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसे निकालने का फार्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये हमारे पास 6 पॉइंट हैं, इन सभी 6 पॉइंटों को हमने ध्यान में रखना है। सेम डिटो लर्न करना है, पॉइंट जैसे 4 पर डेप्रिसिएशन, 5 पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, 2 पर ऑपरेटिंग सरप्लस, ऐसे हमने सभी पॉइंटों को लर्न करना है। तो हम सीखेंगे, जैसे हमने नेशनल इनकम निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल के लिए तो एन होगा, इनकम के लिए पी होगा। तो कौन सी प्राइस पर निकलेगा, ग्रोस निकलेगा या नेट निकलेगा, इसके लिए एक नोट है, वो आपने ध्यान में रखना है। ये नोट क्या है? जब हमें नहीं बताया गया, व्हेन वी आर नॉट गिवन, क्या नहीं दिया गया, हमें नहीं बताया गया अभी ग्रोस निकालना है या नेट निकालना है, हमें नहीं बताया गया एमपी पर निकालना है, एफसी पर निकालना है, मार्केट प्राइस पर निकालना है या फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है। तो हमने सम नेट पर निकालना है, हमने फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है। तो जहां पर हमें नहीं बताया गया था ग्रोस पर निकालना है तो नेट पर, तो हम नेट पर निकालेंगे। हमें प्राइस नहीं दी गई तो हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालेंगे। तो नेशनल इनकम को हम लिखेंगे एन एन पी एट दी एफ सी। इसी प्रकार डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम को हम लिखेंगे डी पी, नहीं बताया गया तो नेट, नहीं बताया गया तो एफ सी पर निकालेंगे। इसी प्रकार ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ये तो बहुत ईजी हम लिख सकते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इस प्रकार हमें सबसे पहले जो निकालना है उसको हम एब्रीवेशन उसका बनाना सीखना पड़ेगा। और आगे हम सीखेंगे 465 फार्मूला कैसे कार्य करता है। तो हमारा जो फार्मूला था उसका हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। जो हमारा फार्मूला था वो था 465 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5। हाँ जी, जी एन एम पी, ये हमारा फार्मूला है। कैसे वर्क करता है, एक नोट और ध्यान में रखना है, वो क्या है? कोई भी सामना जाए तो हमने पॉइंट नंबर फर्स्ट, टू और थर्ड ऑलवेज, ठीक है, ऐड करना है, इज ऑलवेज एडेड, इसे हमेशा हमने ऐड करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्या था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्सड इनकम, ये हमने हमेशा ही इसे तीनों पॉइंटों को ऐड करना है। तो हम बनाते हैं, क्या बनता है? सबसे पहले बनाते हैं एन एन पी एफ सी, यानी कि नेशनल इनकम 1 2 3, ये तो हमने लेना ही लेना है। सबसे पहले हमारे पास एन है, जहां पर जी दिया हुआ नहीं मैच किया तो 4 छोड़ देंगे। हम अगला हमारे पास एन है, जहां पर भी एन दिया गया है मैच कर गया, तो इसके नीचे क्या है? प्लस 6 प्लस 6 ऐड कर दें।
जहाँ पर एफ सी है और जहाँ पर एम पी है, नहीं मैच किया छोड़ देंगे। ये हमारा 1, 2, 3 और 6 पॉइंट को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं एन डी पी एफ सी, 1, 2, 3 हमेशा हमने ऐड करने हैं, जहाँ पर एन है, जहाँ पर फर्स्ट जी है, जहाँ पर सेकंड डी है, जहाँ पर एन है, जहाँ पर एफ सी है, जहाँ पर एम पी, कोई भी मैच नहीं करता, कोई भी नहीं जोड़ना, इसे इससे ही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम जी एन पी एम पी, इसके लिए 1, 2, 3 और जी क्या है हमारे पास, जी के साथ जी मैच कर चुका है 4, यानी कि डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे। एन के साथ एन मैच कर गया, यानी कि पॉइंट नंबर 6 भी ऐड होगा, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड होगा। एम पी से एम पी मैच कर चुका है, पॉइंट नंबर 5 भी ऐड होगा। पॉइंट नंबर 5 क्या था हमारे पास, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ जी, एक और नोट ध्यान में रखना है, क्या है वो, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 हमने सबसे पहले तैयार कर लेना है, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 सबसे पहले हमने तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसका जो फार्मूला है वो है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यदि हमें सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स दिया, इनकी माइनस कर कर हमने पॉइंट नंबर 5 तैयार कर लेना है। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 हमारे पास क्या था, वो था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये दिया था। इसे कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। इसे हम माइनस कर कर निकाल कर पॉइंट नंबर 6 तैयार कर लेंगे। हाँ जी, सबसे पहले आपने इन 6 पॉइंट को ध्यान में रखना है। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लाइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, सेकंड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पर मिक्सड इनकम, फोर पॉइंट पर डेप्रिसिएशन, फाइव पॉइंट पर, फिफ्थ पॉइंट पर हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और 6 पॉइंट पर है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सभी पॉइंटों को आपने ध्यान में रखना है। हाँ जी, इसको हम निकालेंगे। हम सम को निकालने के लिए सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिख लेंगे। जो हमारा फार्मूला था वो था जे, हम रफ वर्क जे सभी करना है हमने, प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 ग्रॉस नेशनल और एम, जी हमने फार्मूला लिख लिया। अब हम एब्रीवेशन बनाएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एम पी। हमने कोई भी सम निकालना है, पॉइंट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमने जोड़ना ही जोड़ना है। जी के साथ जी मैच हो चुका है, जहां पर पॉइंट नंबर 4 आएगा, जहां पर डी है और जहां पर एन है, नहीं मैच हुआ, नहीं लिखेंगे इसे। एम पी के साथ एम पी मैच हो चुका है, पॉइंट नंबर 5 भी आएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने नंबरिंग देनी है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पॉइंट नंबर 1 है, जो मेन पॉइंट है, ये हमारा मेन पॉइंट है। यदि सब पॉइंट आएगा 1 में तो हम इसे कैंसिल करेंगे। सबसे पहले यही देखते हैं, सब पॉइंट है इसमें नहीं है। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 प्रॉफिट होता है, रेंट 2 होता है, इंटरेस्ट 2 होता है, मिक्सड इनकम पॉइंट नंबर 3 होता है, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, ये नहीं, ये तो हमने लेना ही नहीं है। नेट एक्सपोर्ट, इसकी बात भी नेशनल इनकम मेथड में नहीं होती। इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये पॉइंट नंबर 5 होता है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 6 होता है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसे हम डेप्रिसिएशन का साफ्ट कहते हैं, ये पॉइंट नंबर हमारे पास 4 होता है। हाँ जी, नंबरिंग हो चुकी है, रफ वर्क हमारे पास हो चुका है, ये हमारा रफ वर्क था जो हमने ऊपर किया था, ठीक है। अब हम सम निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जी डी पी एम पी। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, ये हो चुका है। पॉइंट नंबर 2 प्रॉफिट आएगा, पॉइंट नंबर 2 में रेंट आएगा, पॉइंट नंबर 2 में इंटरेस्ट आएगा, पॉइंट नंबर 2 भी हो चुका है। पॉइंट नंबर 3 में मिक्सड इनकम आएगी, ये भी हो चुका है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आएगा, ये भी हो चुका है। पॉइंट नंबर 5 में हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2000। प्रॉफिट हमारे पास 800, रेंट हमारे पास 300, इंटरेस्ट हमारे पास 250, मिक्सड इनकम हमारे पास दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3, 7000। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमारे पास पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ 120। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास दिया हुआ है 1500। इसका हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। जे आपने सम कर लेना है इस प्रकार। हाँ जी, इस समय हमने क्या निकालना है, सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे हमारा, ठीक है। जो हमारा फार्मूला है वो है ग्रॉस नेशनल मार्केट प्राइस, जहाँ पर हमारे पास प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5। हमने क्या निकालना है, इसमें दो सम निकालने हैं, एक तो नेशनल इनकम, इसको जो हम कैसे लिखेंगे, नेशनल प्रोडक्ट, नहीं दिया तो नेट निकालेंगे, एफ सी पर निकालेंगे। 1, 2 और 3 तो ऐड करना ही करना है। एन है फर्स्ट डिजिट, जहाँ पर जी है, दूसरा एन है, एन के साथ एन मैच कर चुका है, एफ सी है, नहीं मैच किया, जी हमारा फर्स्ट। दूसरा हमने निकालना है डोमेस्टिक इनकम, इसे हम कैसे बनाएंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं बताया तो नेट निकालेंगे, एफ सी पर निकालेंगे। 1, 2 और 3, एन है वहाँ पर, जी है, नहीं मैच करेगा,
अगला हमारे पास डी है जहाँ पर एन नहीं मैच करेगा, एफ सी और एफ बी नहीं, 1, 2, 3 का प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसे नंबरिंग देंगे, कंपनसेशन ऑफ लाइ पॉइंट नंबर फर्स्ट, रेंट एंड इंटरेस्ट पॉइंट नंबर टू, इनडायरेक्ट टैक्स पॉइंट नंबर फाइव और सब्सिडी पॉइंट नंबर फाइव। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर फाइव तैयार कर लेंगे, जहाँ पर पॉइंट नंबर फाइव तैयार कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडी माइनस करेंगे, 120 से 20 माइनस होगी तो हमारे पास 100 आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर फाइव हमें नहीं चाहिए, इसी के लिए कोई तैयार करने की आवश्यकता भी नहीं थी। हाँ जी, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स जो हमारा पॉइंट नंबर टू होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो हमारा पॉइंट नंबर फोर होता है, डिविडेंड हमारा पॉइंट नंबर टू होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू होता है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हम जो हमारा पॉइंट नंबर सिक्स होता है, तो मिक्सड इनकम हमारा पॉइंट नंबर थ्री होता है। इस प्रकार हम नंबरिंग देंगे, पॉइंट नंबर फाइव के बाद हमने पॉइंट नंबर सिक्स तैयार करना होता है, वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये होता है। हाँ जी, हमें जो जहाँ पर पॉइंट नंबर सिक्स बताया गया है, जो टू अब्रॉड बताया गया है, इसे हम फ्रॉम कर लेंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास -150। ठीक है जी, आपने ध्यान में रखना है। वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पर पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन में हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लाइज आएगा, ठीक है जी लिखेंगे। पॉइंट नंबर टू रेंट एंड इंटरेस्ट आएगा, पॉइंट नंबर टू में कॉरपोरेट टैक्स आएगा, पॉइंट नंबर टू में डिविडेंड आएगा, पॉइंट नंबर टू में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आएगा, पॉइंट नंबर थ्री में मिक्सड इनकम आएगा और पॉइंट नंबर सिक्स में आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ जी, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 2000, रेंट एंड इंटरेस्ट 800, कॉरपोरेट टैक्स जी हमारा 460, डिविडेंड 940, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 300, मिक्सड इनकम 200, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो हमने पॉइंट नंबर सिक्स तैयार किया था जहाँ पर, वो आएगा -150। इस प्रकार हमने सभी पॉइंटों को तैयार कर लेना है। ठीक है, 1, 2, 3 पॉइंट हमने ले लिए हैं, अब इनका प्लस करेंगे, 2000, 2800, 3200 और 4100, 44 और 44 और हमारे पास आ जाएगा 46, 2800, 32, 41, 41, 44, 46, 46 और 47, 47 हमारे पास आ चुका है -150, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4550 जी हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, जी आपने देख लेना। अब 1, 2 और 3 इन तीनों पॉइंटों को हम लेंगे, इसमें पॉइंट नंबर 6 ऐड हुआ था, ठीक है इसे अब छोड़ देंगे, इसे हम छोड़ देंगे, इसे हम छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर जो क्या आएगा इसका, 4700। इस समय हमें जो निकालना है वो निकालना है ग्रोस नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर हमें दिया गया क्या है, हमें दिया गया है एन डी पी एम पी दिया गया है, यहाँ पर हम अपना फार्मूला लिख लेंगे। हमारा जो फार्मूला है वो है ग्रोस नेशनल एम पी +4 +6 +5। हाँ जी, इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट, 1, 2 और 3 तो आएगा ही आएगा, जी मैच कर चुका है, पॉइंट नंबर 4 आएगा, पॉइंट नंबर 6 आएगा, जी इधर 1, 2 और 3 तो आएगा आएगा, एन नहीं मैच किया, डी नहीं मैच किया, एम पी मैच कर चुके हैं। अब हमने क्या ध्यान में रखना है, जो कॉमन पॉइंट है उसे हमने कैंसिल करना है, जो मैच करते हैं इधर और इधर, 4 और 6 पॉइंट जो एक्स्ट्रा है, इधर 4, 5 पॉइंट एक्स्ट्रा है, जो इधर बचे हुए पॉइंट उसको माइनस करना, ऑलवेज माइनस, जो इधर बचे हुए उनको प्लस करना है। तो 5 को हम जहाँ पर माइनस करेंगे, 4 को ऐड करेंगे, 6 को ऐड करेंगे, ये हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमारे पास पॉइंट नंबर 6, डेप्रिसिएशन 4, इनको हम पॉइंट नंबर 5 तैयार कर लेंगे, इनकी हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स जो वो दिया हुआ हमें 10,000, उससे माइनस कर लेंगे सब्सिडी। हाँ जी, माइनस करेंगे तो हमारे पास 39,2 बन जाएगा और 9 से 1, 8। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम सोल्यूशन निकालेंगे, रफ वर्क हमारा हो चुका है, जे रफ वर्क में जाएगा, जे हमारा सोल्यूशन में जाएगा, पॉइंट नंबर 5 सोल्यूशन में जाएगा, तो हमने निकालना है जी एन पी एफ सी। तो सबसे पहले लिखेंगे एन डी पी एम पी माइनस पॉइंट नंबर 5 नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। हाँ जी, जी एन पी एफ सी निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, एन डी पी एम पी की वैल्यू हमें दी हुई है 80,000। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने निकाल लिया है 8,230, डेप्रिसिएशन हमारे पास है 4,950, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है हमें -200। चलो हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका और इसका प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 84,950, और इसका भी प्लस हो जाएगा, ये बस हमारे पास बन जाएगा 9,030। अब हम इसकी हम माइनस करेंगे 0,914 से 9,57 करोड़, ये हमारा आंसर हो। इस समय हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे। हमारा फार्मूला है ग्रोस नेशनल एमपी, हमें दिया गया है +4 +6 +5। निकालना क्या है हमने, हमने निकालना है जीडीपी एमपी, हमें दिया क्या गया है नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट लिखेंगे, नहीं बताया गया तो नेट, नहीं बताया गया तो एफसी। इसमें पॉइंट नंबर 1, 2, 3 आएगा, 4 भी आएगा, जी से जी मैच कर चुका है, डी नहीं मैच किया, एमपी मैच कर चुका है, 5 इधर क्या आएगा हमारे पास 1, 2, 3, एन नहीं मैच किया, सेकंड एन मैच कर चुका है, इससे पॉइंट नंबर 6 आएगा, एफसी नहीं मैच किया, जो कॉमन पॉइंट है वो कैंसिल करेंगे, जहाँ पर 4 और 5 जे ऐड होगा और जे माइनस जाएगा, -6 +4 +5, तो हम निकालेंगे इसका आंसर। हाँ जी, कंपनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पॉइंट नंबर 4, इनकम फ्रॉम पॉइंट नंबर 6, जे हमारा पॉइंट नंबर 5 तैयार होगा और जे हमारा 6। ठीक है, सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 5 निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, 130 से माइनस हो जाएगा 70, तो हमारा आ जाएगा 60। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 6 निकालेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो है हमारे पास 100, और नेट इनकम टू अब्रॉड वो है हमारे पास 150, हमारा आ जाएगा -50। हाँ जी, जहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एन एन पी एफ सी की वैल्यू हमारे पास है 6,700, पॉइंट नंबर 6 हमारे पास नेगेटिव में है, पॉइंट नंबर 4 वो हमें दिया गया है 180, पॉइंट नंबर 5 हमने निकाल लिया है 60। हाँ जी, क्या बन जाएगा, 1,600 + 50 + इनका हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 240 बन जाएगा। ठीक है, और इसका प्लस हो जाएगा 290, 290 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 6,990। ठीक है, रुपीज़ होगा, ठीक है, इन करोड़। इस प्रकार के सम को हम सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आगे भी आप ऐसे ही हमारी इकोनॉमिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड 465 मेथड से सीखना चाहते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।